भव्य को। भारत दिव्य को। पवित्र को। कुंभ की महिमा अपरंपार। देखिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। हम बात करेंगे कुंभ की। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे आकर्षण का केंद्र होते हैं। दो बड़े कुंभ मेलों के बीच एक अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। इस बार साल 2019 में आने वाला कुंभ दरअसल अर्ध कुंभ ही है। साधु महात्माओं में नागा साधुओं को हैरत भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ, अर्ध कुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ के बाद नागा साधुओं को देखना बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं के बीच हमेशा लोगों को कम जानकारी होती है और इसी वजह से शायद ये चर्चा का विषय बने रहते हैं। कुंभ के सारे शाही स्नान की तिथियों से लेकर आज हम आपको महिला नागा साधुओं से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधु का जीवन सबसे अलग और निराला होता है। दरअसल इनको गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होता। इनका जीवन बड़े ही कठिनाई भरा होता है। इन लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है इस बारे में कोई मतलब नहीं होता। इनके बारे में हर एक बात निराली होती है। नागा साधुओं को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आती हैं। महिला नागा साधुओं से जुड़ी हुई इस जानकारी के बारे में सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि नागा साधु बनाने के लिए इनको बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। बता दें कि इनकी परीक्षा कोई एक या दो दिन में नहीं होती। इनको नागा साधु या संन्यासन बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। जो भी महिला साधु या संन्यासन बनना चाहती है उनको अपने गुरु को इस बात का विश्वास दिलाना होता है कि वह साधु बनने के योग्य है। इसके बाद दोपहर में भी भोजन करने के बाद फिर से वो शिव जी का जाप करती है और शाम को शयन। अखाड़े में महिला संन्यासन को पूरा सम्मान दिया जाता है। साथ ही संन्यासन बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें नागा साधुओं के साथ भी रहना पड़ता है। हालांकि महिला साधु या संन्यासन पर इस तरह की पाबंदी नहीं है, वह अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर सकती हैं। जब कोई महिला इन सब परीक्षा को पास कर लेती है तो उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है। जब महिला नागा संन्यासन पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और पुरुष नागा साधु को वस्त्र नहीं पहनना पड़ता। हालांकि नग्न स्नान की अनुमति नहीं है इन्हें, यहाँ तक कि कुंभ में भी इन्हें ये अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।